आपकी मूर्ति का टूटकर धूल में मिल जाना इस बात को साबित करता है कि ईश्वर की धूल आपकी मूर्ति से महान है। हम दुनिया में तब जीते हैं जब हम उसे प्रेम करते हैं। जीवन हमें दिया गया है, हम इसे देकर कमाते हैं। तथ्य कई हैं पर सत्य एक है। मौत प्रकाश को खत्म करना नहीं है, ये सिर्फ दीपक को बुझाना है क्योंकि सुबह हो गई है। यदि आप इसलिए रोते हैं कि कोई सूरज आपके जीवन से बाहर चला गया है, तो आपके आंसू आपको सितारों को भी देखने से रोकेंगे। मंदिर की गंभीर उदासी से बाहर भागकर बच्चे धूल में बैठते हैं, भगवान उन्हें खेलता देखते हैं और पुजारी को भूल जाते हैं। हर वह कठिनाई जिससे आप अपना मुंह मोड़ लेते हैं, वह एक भूत बनकर आपकी नींद में खलल डालेगी। जिस तरह घोंसला सोती हुई चिड़िया को आश्रय देता है, उसी तरह मौन तुम्हारी वाणी को आश्रय देता है। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप में कह नहीं सकता, उसी को क्रोध अधिक आता है। फूल भले ही अकेला होता है, लेकिन कांटों से कभी भी ईर्ष्या नहीं करता है। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप समंदर पार नहीं कर सकते। जब मैं खुद पर हंसता हूं, तो मेरे ऊपर से मेरा बोझ कम हो जाता है। यदि आप सभी गलतियों के लिए दरवाजे बंद कर देंगे, तो सच बाहर रह जाएगा। मैंने स्वप्न देखा कि जीवन आनंद है। मैं जागा और पाया कि जीवन सेवा है। मैंने सेवा की और पाया कि सेवा में ही आनंद है। प्रत्येक शिशु यह संदेश लेकर आता है कि ईश्वर अभी मनुष्यों से निराश नहीं हुआ है। फूल की पंखुड़ियों को तोड़कर आप उसकी सुंदरता को इकट्ठा नहीं करते। सिर्फ तर्क करने वाला दिमाग एक ऐसे चाकू की तरह है जिसमें सिर्फ ब्लेड है। यह इसका प्रयोग करने वाले को घायल कर देता है। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है।